हाल में जैसे आप सब जानते हैं, तो मैं अभी तक शॉपिंग करने तो नहीं जा पाई हूँ, पर हालांकि हमने आनंदी तो फंसी हुई है अभी किसी के जाल में जैसे आप सब जानते हैं, तो मैं अभी तक शॉपिंग करने तो नहीं जा पाई हूँ, पर हालांकि हमने पूजा की है सुबह और आई एम श्योर कि हम शाम को खूब सारे पटाखे भी जलाएंगे। अनिल, दिवाली जो कहा जाता है कि रोशनी का त्योहार है, खासतौर से रंगोली बहुत खास तौर से जाई जाती है, आपको पता है रंगोली क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? लक्ष्मी जी का वेलकम करने के लिए, एक्चुअली किसी का स्वागत करते हैं तो सबसे पहले गेट पर ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लॉजिक इसलिए होगा क्योंकि इतने सारे रंग होते हैं और खूबसूरत लगती है रंगोली, और आई एम श्योर कि ऐसा ही कोई लॉजिक होगा। अगर तोरण से बात की जाए, तोरण बस किस तरह से दिवाली मनाने वाली है? देखिए, अगर मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना तो मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और अपनी दिवाली मनाना चाहती हूँ, खूब सारी शॉपिंग करना चाहती हूँ, पर अगर हम शूट नहीं करेंगे तो आप लोग हमारी दिवाली कैसे देखेंगे? दिवाली की विश कर दीजिए। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन कि इतने सारे दिए आपने जलाए हैं तो रोशनी, कितनी रोशनी आप पर्सनली पसंद करती हैं? यू नो, दिवाली इज फुल ऑफ लाइट्स। यस, मुझे बहुत पसंद है, कैंडल्स भी जलाना मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि घर में अगर कभी जला लेती हूँ मैं कैंडल्स, और दिवाली तो खैर पर्व ही है हमारा रोशनी का, तो मैं ढेर सारी कैंडल्स दरवाजे से शुरू होती है और पूरे घर में दिए जलते हैं, तो आई एम श्योर मुझे लगता है कि ये सभी को करना चाहिए और दिवाली का और लक्ष्मी जी का वेलकम करना चाहिए। थैंक यू।